डॉन दाद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर गिरफ्तार, जबरन उगाही के मामले में ठाणे पुलिस ने की गिरफ्तारी, लगाया जा सकता है मकोका। रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकी ट्रेनिंग देने भारत पहुंचे अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शुभोन हक को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा। यूपी के सीतापुर में बालामऊ बुढ़वल पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार, रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त इंजन के दो पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों में मचा है हड़कंप। सुरक्षा कारणों से फिर बंद हुआ गुरुग्राम का रायन स्कूल, अब 25 सितंबर को खुलेगा। प्रद्युम्न की हत्या के बाद सोमवार को एक दिन के लिए खुला था स्कूल। स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटाने में लगे हैं कई अभिभावक। पिंटू परिवार की जमानत याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है, गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई है अग्रिम जमानत याचिका। यूपी के बरेली में नामचीन स्कूल राधा माधव पब्लिक स्कूल में बस के कंडक्टर पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में संदिग्ध हालात में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरी 9वीं क्लास की छात्रा, इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर जाएंगे देहरादून, उत्तराखंड के सीएम और मंत्रियों की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे शाह। आज पूरे हो रहे हैं यूपी में योगी सरकार के 6 महीने, सीएम योगी आज गिनाएंगे अपनी उपलब्धियां, सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश सरकार पर यूपी को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। यूपी के चित्रकूट में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आरके सिंह पटेल ने प्राथमिक विद्यालय खरौंद में लगाए झाड़ू, बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया। यूपी में कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ भद्दा मजाक, मथुरा में एक किसान का महज 1 पैसे का कर्ज माफ हुआ। यूपी के फतेहपुर में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के किसान सम्मेलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। दिल्ली के करावल नगर में कैश वैन में 60 लाख रुपए की लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन में चलाई गोली, गनर कैशर जख्मी, सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में पार्किंग से गाड़ी निकालने के विवाद में 38 साल के कार सवार अमित पर बुजुर्ग शख्स ने चलाई गोली, अमित घायल, 65 साल का आरोपी राहुल राय गिरफ्तार। मुंडका स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ, जहरीली गैस के रिसाव से 2 सेवादारों की मौत, 1 की हालत गंभीर। अहमदाबाद में एक कंपनी के बेसमेंट में टैंक को साफ करने के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस के रिसाव से 4 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर, यूपी और एमपी के बताए जा रहे हैं मजदूर। महाराष्ट्र के पालघर में आर्थिक तंगी से परेशान एक परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, पिता पुत्र की मौत, 3 साल की बच्ची और उसकी मां की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के पालघर में एक मां ने अपने बेटे का 50,000 की सुपारी देकर कत्ल करवाया, 21 साल के बेटे की महिलाओं से अवैध संबंध से परेशान थी मां, पुलिस ने आरोपी मां, बड़े बेटे और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में दबंगों के कहर से दलित परिवार ने किया गांव से पलायन, दलित परिवार का आरोप, 2 महीने से नाबालिग बेटी को बना रखा है बंधक, एसपी ने जांच के आदेश दिए। हैदराबाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, मेडिकल एग्जाम में पत्नी के पास ना होने से था नाराज, दहेज के लिए भी करता था प्रताड़ित। गुजरात के नवसारी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बचाया। मुंबई से गोवा के मनगांव जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेगा नया डिब्बा, टूरिस्ट यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार डिब्बे में यात्रियों के खाने और बैठने की होगी बेहतर व्यवस्था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम किए 2 गुने, 31 अक्टूबर तक 10 रुपए की जगह अब 20 रुपए में मिलेगा टिकट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जश्न डल के नाम से वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया, 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में कई खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।